नमस्कार, चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और गुरुकुल की पिछली क्लास से ही हम आईपीओ के मायने समझ रहे हैं और समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, आईपीओ क्या है, क्यों जरूरी है, निवेशकों को आईपीओ में क्यों एंट्री लेनी चाहिए, ये सब हमने समझा। लेकिन डीआरएचपी जो पिछले बार हम जिक्र किया और छोड़ दिया, आपने कहा उसको डिटेल में आप समझाएंगे, तो उसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसे समझना भी जरूरी है डिटेल में। इसलिए जरूरी है कि किसी भी कंपनी से रिलेटेड हर एक डिटेल आपको डीआरएचपी में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, डीआरएचपी का मतलब है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट फॉर्म में प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है, या जो इंग्लिश बोलना चाहें वो डीआरएचपी भी बोल सकते हैं। होता क्या है, डीआरएचपी वो डॉक्यूमेंट है, वो चिट्ठा है जिसमें जो कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है, पब्लिक से पैसे लेना चाहती है आईपीओ के जरिए, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। ये कंपनी कब शुरू हुई थी, क्या कारोबार करती थी, कब इसने कारोबार बदला, कंपनी की कुंडली, हाँ कुंडली पूरी कंप्लीट कुंडली, मतलब और न सिर्फ कंपनी की कुंडली, कंपनी के खानदान की भी। अच्छा। मतलब कि सबसे पहले जब कंपनी बनी किसने बनाई, बाद में शेयर होल्डर्स कब कौन चेंज हुए, प्रमोटर्स कब बदले, किस प्रमोटर्स के पास कितनी स्टेक रही, ठीक है, कब बोनस शेयर आए, हर साल कितना प्रॉफिट लॉस किया। तो जब से कंपनी पैदा हुई है तब से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स आपको डीआरएचपी में मिल जाएगी। क्यों, उसकी वजह क्या है, आप सोचेंगे अरे भाई ये सब मांगने की जरूरत क्या है। करेक्ट, जरूरत है, क्योंकि मान से देखिए होता क्या है, एक बार कंपनी लिस्ट हो गई, इश्यू आ गया, शेयर लिस्ट हो गए, रोज ट्रेड होते हैं, फिर आपको पता है नतीजे कब आते हैं कंपनी के, हर तिमाही में, हर तिमाही, राइट, हर तीन महीने में आपको पता चल जाता है कि पिछले तीन महीनों में कंपनी ने क्या किया, परफॉर्मेंस कैसी, वो तो पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन जब कंपनी पहली बार आ रही है मार्केट में, हाँ, तो कैसे पता नतीजे चलेगा, आए नहीं कभी, हम पहली बार ही वो एंट्री कर रही है आईपीओ बाजार से, तो लॉजिकल है जब कंपनी पहली बार आ रही है तो अब तक की जो डिटेल्स है वो पता चल जाए। अब आप ये कहेंगे भाई इतनी सबकी डिटेल्स की जरूरत क्या है, साल दो साल की ले लो, तीन साल की ले लो, पांच साल की ले लो, बहुत हो गया, कोई कंपनी 15-20 साल पुरानी है तो उतनी डिटेल्स क्यों चाहिए, चाहिए क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कई सारे प्रमोटर्स बदमाश होते हैं ना, रूल को फाउल करते हैं। अगर सेबी ने रूल बना लिया कि अच्छा तीन साल का ही बताओ डेटा, हाँ, या पांच साल का ही बताओ, तो पांच साल तक क्लीन रखेंगे, पांच साल के पहले वाले सब दबा देंगे, और जो भी सही सही करना है वो पांच साल तक का ही। एग्जैक्टली, इसलिए क्या होता है कि डीआरएचपी में आपको कंपनी जब से शुरू हुई है, जब जब जो डायरेक्टर थे, जब कंपनी ने बोनस इशू किया, डिविडेंड दिया, जो कारोबार किया, कारोबार बदले, सारी डिटेल्स वहाँ आ गई पहली बात। फिर आती है कंपनी के प्रमोटर्स की डिटेल, प्रमोटर्स पहले कौन थे, क्या बाद में प्रमोटर्स बदले, बदलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, प्रमोटर्स भी बदलते हैं, उनकी डिटेल्स आएगी। उनकी डिटेल्स सिर्फ ये नहीं आएगी कि प्रमोटर्स कब बदले, कितने शेयर किसके पास है, उन प्रमोटर्स की भी जन्म कुंडली आएगी, ये प्रमोटर्स हाँ कौन है भाई, ये पहले क्या करते थे और कौन सी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, और इनके क्या बिजनेस है, कभी अंदर अंदर तो नहीं गए, कोई केस चल रहे हैं क्या, है ना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती। तो कंपनी का अभी का कारोबार, पुराना कारोबार, अभी की डिटेल्स, पुरानी डिटेल्स, ये सारी की सारी डीआरएचपी में, कच्चा चिट्ठा, पक्का चिट्ठा, सारे चिट्ठे आ जाते हैं। लेकिन तो ये डीआरएचपी जो है ये आईपीओ आने से पहले ही कंपनी, पहले ये तो पहली सीढ़ी है। अच्छा, एक बार डीआरएचपी आ गया फिर डीआरएचपी जाता है सेबी के पास। सेबी तो आपको पता ही है जी, कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी रेगुलेटर है जी, और वही डिसाइड करती है कि किसी कंपनी का आईपीओ आप आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तो सेबी के पास डीआरएचपी जाता है। डीआरएचपी जो सेबी के पास जाता है उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। अब जैसा सपोज आपको आईपीओ लाना है, राइट, तो आपको डीआरएचपी फाइल करना है जी। तो कुछ लोग होते हैं मर्चेंट बैंकर जिन्हें कहते हैं, हम वो विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे वो लोग कौन है क्या है। लेकिन उससे पहले जो डीआरएचपी फाइल किया जाता है वो सेबी के पास जाता है, सेबी उस डीआरएचपी की सारी डिटेल्स को देखती है। अच्छा, स्क्रूटनी, हाँ स्क्रूटनी होती है, प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद सेबी ये कहती है कि भाई हमें ये और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये क्लेरिफिकेशन चाहिए। मतलब मसलन जैसे आप कहो कि आपको आईपीओ लाना है, आपने कहा भाई मेरे पास एक 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है जो मैंने खरीद रखा है, जहाँ से मैं बिजनेस करता हूँ, आपने डीआरएचपी में लिख के दिया, डिटेल्स दीजिए, एग्रीमेंट की कॉपी लगाइए, आपके नाम पे है क्या, कब खरीदा है, अगर आप कहेंगे किराए पे लिया हुआ है तो लीज अग्रीमेंट लगेगा,
मतलब एक एक डिटेल्स, प्लांट मशीनरी है आपने खरीदी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिल्स लाओ, कब खरीदी, कहां से खरीदी, मतलब उस लेवल की सारी डिटेल्स मांगी जाती है डीआरएसपी अच्छा। को देखकर अगर सेबी को लगता है कि कुछ और डिटेल्स चाहिए, वो और डिटेल्स मांगेंगे। इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सेबी का ऑब्जर्वेशन, आपके डीआरएसपी पर सेबी क्या सोचती है, फिर वो और डिटेल्स मांगेंगे, और डिटेल्स आप दीजिए। जब सेबी सेटिस्फाइड हो जाती है तो कहते हैं हाँ अब ठीक है, अब आप आईपीओ लाने की तैयारी कर सकते हैं। तो सेबी सेटिस्फाई होने के बाद डीआरएचपी हमारे लिए, निवेशकों के लिए अवेलेबल होता है? डीआरएचपी तो शुरू से अवेलेबल है अच्छा। निवेशकों के लिए पहले से ही है, उसमें एडिशंस होते जाएं। हाँ, डीआरएचपी आपको सेबी की साइट पर मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो लीड मैनेजर्स हैं उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और एक बार सेबी ने इसे अप्रूव कर दिया तो इसमें से डीआरएच निकाल दो, पी, खाली पी रहने दो, यानी कि प्रोस्पेक्टस। अच्छा, हाँ, जब सेबी अप्रूव कर दे तो ये प्रोस्पेक्टस बन जाता है। ओके, तो फिर ये मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है आपके सामने एक तरह से, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस उसके बेसिस पर आईपीओ आता है, पब्लिक इश्यू आता है, और वही प्रोस्पेक्टस फिर कंपनी को भेजना होता है आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, उनकी अप्रूवल के लिए। वही प्रोस्पेक्टस भेजना होता है स्टॉक एक्सचेंजेस को, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर तो आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, आप एनएससी बीएससी जहां करवाना चाहें, जिस एक्सचेंज पे करवाना चाहें। तो फिर एक बार जैसे ही प्रोस्पेक्टस सेबी ने अप्रूव किया, उसके बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस आरओसी को और साथ ही एक्सचेंजेस को देना होता है, फिर उनकी अप्रूवल लगती है। उनकी अप्रूवल आमतौर पर फॉर्मेलिटी वाली बात है, ठीक है, ज्यादा वो मतलब अनलेस कोई छोटे मोटे रूल वगैरह देख ले कर ले, बट सेबी ने एक बार कर दिया ना तो कमोबेश सारे नियमों का पालन हो जाता है, सब कुछ अवेलेबल। हाँ, और उसके बाद खाली उनकी फॉर्मेलिटी जो होती है छोटी मोटी, कुछ छोटी मोटी चीजें आरओसी को देखनी होती है कैपिटल से रिलेटेड, ये वो, प्लस उनको कुछ फीस वीस लेनी होती है। एक्सचेंजेस का भी सेम सिस्टम है, लिस्टिंग एग्रीमेंट वगैरह वो साइन करवाते हैं, कुछ फीस लेते हैं और वो अप्रूवल दे देते हैं। तो उनकी अप्रूवल लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सेबी की अप्रूवल लेना मुश्किल काम, वो फर्स्ट पहली सीढ़ी। हाँ, हाँ। तो सेबी ने इतने सारी चीजें मंगवाई हैं, अप्रूवल्स वगैरह, तो ये प्रोस्पेक्टस जब बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट होगा फिर तो वो। हाँ, हाँ, प्रोस्पेक्टस मतलब आप आमतौर पर मतलब चाहे तो एक पिलो की साइज का बन सकता है, जिसे आप लगा के आराम से रात को समय, ताकि सुबह आपको काफी प्रोस्पेक्टस में से ज्ञान अंदर चला जाए। सवाल वही है मेरा कि क्या फिर उसे गो थ्रू करना चाहिए हमें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप है ना वही चीज पढ़ना चाहते हो जो आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ फटाफट। हाँ, आमतौर पर अगर किताब की साइज इतनी बड़ी दिखी तो आप सोचते हो कि ये हमसे ना हो पाएगा, है ना? तो वो वाला हाल है। हाँ। हम जब सीए करते थे तो एक अकाउंट्स की बुक चलती थी, उसका उसके राइटर होता है शुक्ला ग्रेवाल, वो इतनी बड़ी बुक होती तो देख देख के तनाव आता था कि ये कब पढ़ेंगे, कैसे खत्म करेंगे इसको। लेकिन वो तो चलिए कि ठीक है, उसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको हो रहा है, लेकिन डीआरएसपी इतना कौन पढ़ेगा? तो मैं एक चीज दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप पूरा डीआरएसपी पढ़े ना पढ़े, जरूरी नहीं कि आपके पास समय हो, एक चीज पक्का पढ़नी चाहिए। आपके सबसे काम की चीज पूरी प्रोस्पेक्टस में जो है वो है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स, किसी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपके लिए रिस्क क्या है, खतरा क्या है, जोखिम क्या है? भाई आप पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो होगी जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। वो रिस्क क्या है वो रिस्क फैक्टर में दिखता है, वो कंपनी को लिखना पड़ता है। वो कंपनी ने ही लिखा होता है, कंपनी को लिखना कंपलसरी है। अगर कंपनी ने कुछ रिस्क फैक्टर नहीं डाले तो सेबी अपनी मर्जी से डलवा देती है, ये आप लिखिए, इन्वेस्टर्स को बताइए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। अब रिस्क फैक्टर है ना, मानसी दो तीन तरह के होते हैं। ओके, एक तो रिस्क फैक्टर आमतौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर होते हैं, तो कंपनी बोल देगी भाई हमारी ये पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट की बदल गई तो हमें नुकसान हो सकता है आगे चलते हुए कारोबार में। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि भाई हो सकता है कि बिजनेस का माहौल बदल जाए, ग्रोथ कम ज्यादा हो जाए, वो होता है। लेकिन आपको जो देखना है कंपनी और प्रमोटर की स्पेसिफिक रिस्क जो होती है वो देखना, कि क्या कंपनी को गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलने से कोई रिस्क है, अगर किसी सेक्टर से रिलेटेड कोई चीजें कम ज्यादा हो गई तो क्या कंपनी को रिस्क है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी के ऊपर क्या क्या केस चल रहे हैं, कंपनी ने कौन से टैक्स नहीं भरे हैं, प्रमोटर्स पे कोई पहले केस चले हैं वो क्या, कंपनी मेंशन करती है, देना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बगैर चलेगा ही नहीं काम, अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। प्रमोटर्स के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं क्या, प्रमोटर्स के ने पहले कुछ ऐसा कुछ तो नहीं किया जो आपको जानना समझना जरूरी है। अभी कौन सी टैक्स की लाइबिलिटी बाकी है, कोई जीएसटी बाकी है या कोई इनकम टैक्स बाकी है क्या, ये सारी डिटेल्स वो आपको रिस्क फैक्टर्स में देनी पड़ेगी। तो रिस्क फैक्टर्स पढ़ना। हाँ, कोई केस ऐसा चल रहा है जिसमें अगर वो केस कंपनी हार जाए सपोज, हाँ,
तो कितनी लायबिलिटी आ जाएगी वो लिखना पड़ता है. कोई प्रमोटर पे केस चल रहा है, वो लायबिलिटी आ गई तो प्रमोटर्स का क्या हो सकता है, हर एक चीज मिलती तो है. मतलब रिस्क फैक्टर से ही अंदर की बात पता चल जाएगी और फिर मुझे आइडिया आएगा. आपको पैसा लगाना है ना, पैसा लगाना है तो आपको ये देखना है कि आपके रिस्क क्या है और वो रिस्क फैक्टर से पता चल जाता है, बस सिंपल. तो एज एन इन्वेस्टर आप और कुछ देखे ना देखे, सबसे पहले तो ये देखें कि मेरा पैसा डूबने का खतरा कहाँ कहाँ है. उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि प्रमोटर अच्छे हैं या नहीं, कंपनी अच्छी है या नहीं, या खतरा है तो कितना. भाई आप जानते बूझते कूद जाओ तब तो अलग बात है, अनजाने में आपको गलती नहीं करनी. जानबूझ के आपने पढ़ लिया डीआरएचपी प्रोस्पेक्टस, फिर आपने रिस्क फैक्टर पढ़ लिया, बोले ठीक है इतने रिस्क है ना चलेगा मुझे, और फिर आपका हाँ आपका डिसीजन है वो बराबर. चलिए तो खतरों से हम अवगत करा रहे हैं आपको. एक आईपीओ के आने से पहले आता है प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर. कुछ पढ़े ना पढ़े रिस्क फैक्टर पढ़ने ही चाहिए, बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर या प्रोस्पेक्टस में कोई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है? गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और होती है कई बार, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में. ओके कभी कभी होता है ना कि आपको डॉक्टर के पास आप गए, आपने पूछे, डॉक्टर ने पूछा भी कि ठीक है बीमारी कब से, आप अंदाज से बोल देते 5 साल से, हो सकता है वो 7 साल से हो या 3 साल से हो, प्लस वो सिम्टम्स पूछता है कि भाई कब होती है क्या होती है, तो आप कुछ चीजें बताते हो कुछ भूल जाते हो जो कि हाँ ध्यान में नहीं है, और है ना? आसान सी चीजें हो जाता है ऐसा कई बार. तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कंपनी आईपीओ ला रही, पहली बार ला रही होती, और जाहिर सी बात है जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हो सकता है कोई मिस हो जाए, भूल जाए, बताना रह जाए, उन्हें लगे कि भाई ये तो काम की नहीं थी, नहीं बताई, तो वो भी हो सकता है. कुछ लोग बड़े वो कहते हैं डेढ़ होशियार होते हैं, हाँ, ज्यादा समझदार ज्यादा समझदार, वो जानबूझ के सोचता है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, छुपा लूं तो क्या पता चलेगा, नहीं बताऊं तो क्या पता चलेगा, या मैनिपुलेट, तो वो वैसा भी कर सकते हैं. लेकिन अभी आजकल क्या है, ये सब है पब्लिक डॉक्यूमेंट, हर जगह मिलता है, प्रोस्पेक्टस डीआरएच पे आपको हर साइट पे मिल जाएगा, सेबी या फिर मर्चेंट बैंक और कंपनी की साइट पर. तो फिर होगा क्या, किसी न किसी ने देख लिया और उन्होंने सेबी को कह दिया भाई देखिए इस कंपनी से रिलेटेड या इस प्रमोटर से रिलेटेड तो ये बड़ी बात थी जो इन्होंने डीआरएच पे में बताई नहीं. अच्छा, तो सवाल उठ जाएंगे, फिर सेबी बोलेगी, बुलाएगी, पूछेगी भाई ये क्या है, तो फिर सही है गलत है, तो गलत है तो फिर क्या करेंगे, वापस से भरो डीआरएचपी. अच्छा, ये पूरी प्रोसेस फिर पूरी, मतलब ठीक है जितना दे दिया उतना ठीक है, बट उससे रिलेटेड आपको फिर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. जब आप फिर इन्फॉर्मेशन दोगे तो सेबी फिर उसकी जांच करेगी, और सेबी को लगेगा कि भाई आपने जानबूझ के छुपाया, गलती से छुपाया, या अब डिस्क्लोज कर दिया तो काम चल जाएगा, तो अप्रूवल आएगी, नहीं तो अब पहले की दी हुई अप्रूवल कैंसिल भी हो सकती है. आईपीओ आने के पहले अगर पता चल जाए तो अप्रूवल कैंसिल भी हो सकती है. सेबी के पास इतने भी पावर है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पब्लिक इश्यू ले आए, ठीक है, और बाद में पता चला तो सेबी ये भी डायरेक्शन दे सकती है, जाइए पैसे वापस करिए सबको. ओह माय गॉड. हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बेवकूफ बना के मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज पकड़ा जाता है. हाँ हाँ, अगर तो क्लियर कट है डीआरएचपी में, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भूल गए या जानबूझकर नहीं दी, तो सेबी आपको कहेगी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर से अप्रूवल लीजिए, उसके बाद आईपीओ लाइए. तो मतलब एक तरह से ऐसा हो जाता है क्या, सेबी के बैड बुक्स में आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है? बताइए, बिल्कुल होता है, सेबी की बैड बुक्स में कैसे नहीं हो गया भाई, आप अगर भूल से हो गया तो भी कैसे भी हो, सेबी तो वही समझेगा. हाँ प्रोसेस इज प्रोसेस. हाँ लेकिन भाई ठीक है, सबको समझ में आता है कि मैटर कितना सीरियस था कितना नहीं था, वो वाली अलग बात है. तो आमतौर पर कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ प्रोमोटर्स जानबूझकर या अनजाने में डीआरएचपी में इन्फॉर्मेशन देना भूल जाते हैं, नहीं देते हैं, बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब आप भूल गए तो बिल्कुल आपका आईपीओ आ ही नहीं सकता, लेकिन वो सेबी को डिसाइड करना है कि भाई ये मैटर कितना सीरियस है. ठीक है, तो आप बार बार बता रहे थे कि मदद करेंगे मर्चेंट बैंकर्स, मदद करेंगे मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स क्या है? मर्चेंट बैंकर्स का नाम एक और है, उनको कहते हैं लीड मैनेजर्स भी, दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट. मर्चेंट बैंकर्स ना एक तरह के आप क्या कह सकते हैं, कंसल्टेंट्स है. ठीक है, जो कंपनियों को आईपीओ लाने में मदद करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इन्हें पता है किसी कंपनी का आईपीओ लाना है तो कैसे लाया जाता है. प्लस इनके इनको सेबी के रूल्स रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट्स के, एक्सचेंजेस के, आरओसी के रूल्स रेगुलेशन की पूरी जानकारी होती है, रोज का काम है. अच्छा, तो ये किन के साथ काम करते हैं फिर? मर्चेंट बैंकर कंपनियों के साथ काम करते हैं, जिस कंपनी को आईपीओ लाना है वो सेबी की साइट पर जाके देख ले, रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर जो भी है, लीड मैनेजर्स जो है, उनको आप पसंद कर सकते हैं, आपको कौन सा पसंद आता है वो आप चूज कर लीजिए, वो आपको प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाने में मदद करेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि भाई किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन बनेगी, कैसे सेबी के पास जाएगी, क्या प्रोसेस होता है,
अप्रूवल कैसे आएगी, ऑब्जर्वेशन से भी क्या आएंगे, उसके जवाब कैसे देने। तो बेसिकली कंसल्टेंट नहीं होता, जैसे आपका सीए आपको रिटर्न भरने में मदद कर रहा है, प्रोसीजर के दरमियान आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो आपके साथ रहते हैं, पैसे लेते हैं फीस अच्छी खासी वाली। अच्छा, फीस बढ़िया वाली लेते हैं मर्चेंट बैंकर्स, तो कंपटीशन तो होता ही खैर, लेकिन फिर भी अच्छी खासी फीस लेते हैं और वो मदद करते हैं कंपनी को आईपीओ की प्रोसेस पूरी करने में। ठीक है, और ऐसा नहीं उनका काम खाली इतना है कि इधर से इन्फॉर्मेशन ली उधर दी। सेबी भी बहुत स्मार्ट है, बहुत सारे केसेस में सेबी ये कहती है कि जो कुछ भी कंपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है आप भी सर्टिफाई करो क्वालिफाइड लोग होते हैं, एमबीए वगैरह होते हैं जो ये लोग अपनी कंपनी बनाकर मर्चेंट बैंकर्स बनते हैं। तो आप भी साइन करो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें भाई सेबी क्या कहती है, हम हर एक चीज थोड़ी एक एक की देखने जाएंगे। अगर सपोज कोई कंपनी 50 साल पुरानी है और वो कहते हैं मुझे आईपीओ लाना है, अब 50 साल पुराने डेटा अगर सेबी के पास आएंगे सेबी पागल हो जाएगी, बोले इतना कब देखेंगे हम। तो कई सारे डेटा ऐसे होते हैं जो सेबी कहती है आप मर्चेंट बैंकर है ना, आपने चेक किया, आप बोलेंगे हाँ चलो साइन करके दो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी नहीं, गलत सर्टिफाई किया आप पे पेनल्टी लग सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मर्चेंट बैंकिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी से, तो इसलिए मर्चेंट बैंकर गलत नहीं कर सकते, गलत करेंगे। और आजकल सिंपल बढ़िया सिस्टम है, गलती करते ही पता चल जाता है एकदम। तो इसलिए मर्चेंट बैंकर की भी कई कई मामलों में जिम्मेदारी होती है, हर एक चीज से भी जरूरी नहीं कि देखे, कुछ चीजें वो मर्चेंट बैंकर से सर्टिफाई करने को कह सकती है और उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ सकते। अच्छा, और वेबसाइट पे वो लिस्ट मिल जाती है मर्चेंट बैंक। हाँ हाँ, सेबी की साइट पर सब कौन अप्रूव्ड मर्चेंट बैंकर है कौन नहीं सब पता चलता है। ठीक है, एक और, लेकिन मर्चेंट बैंकर होना जरूरी है, उसके बगैर आप आईपीओ ला नहीं सकते। अच्छा अच्छा, ये प्रोसेस चाहे आप समझते भी हैं आईपीओ को तब भी आप नहीं ला सकते, लेना ही है 100% चाहिए, बिना मर्चेंट बैंकर आप आईपीओ नहीं ला सकते, आपको लेना ही लेना है। ठीक है, ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट बार बार सुनने में आया है, एंकर इन्वेस्टर्स, ये क्या है? ये देखिए, आईपीओ आने के तुरंत पहले, 1 से 2 दिन पहले, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें कंपनी आईपीओ में पहले ही कह देते कि हम आपको इतने शेयर आईपीओ में दे रहे हैं, अलॉटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, सपोज किसी कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है 2 दिन बाद, ठीक है, वो कंपनी कहती है कि हम कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको पहले ही शेयर देना चाहते हैं। तो अब आप सोचेंगे ये इन्वेस्टर कौन है? हाँ, ये इन्वेस्टर फिक्स है, इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें कौन आता है? FIs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक्स। ये 4 तरह के इन्वेस्टर्स और थोड़े बहुत और अलग दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें QIB कैटेगरी में रखा जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, यानी कि बड़े इन्वेस्टर जिनको आमतौर पर इंडिविजुअल्स नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल नहीं, FIDI जो कहते हैं ना, इंडिविजुअल्स भी नहीं, नॉर्मल कंपनियां भी नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और FIs, ये सारे होते बड़े इन्वेस्टर। इन बड़े इन्वेस्टर्स को एक फैसिलिटी है, ये आपको कोई आईपीओ अच्छा लग रहा है तो आप कंपनी को पहले एंकर इन्वेस्टर के तौर पर एप्लीकेशन दे सकते हैं और कंपनी आपको शेयर आईपीओ के पहले ही दे सकती है। तो अब आप सोचेंगे इनको ये क्या? हाँ, इनको, हाँ, इनको ये फायदा क्यों, हमें तो नहीं है। हाँ, और फायदा क्या है? इसलिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये खुद के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली इनमें आज जैसे म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में बहुत लोगों के पैसे लगे हैं, बैंक्स हैं तो बैंक्स में बहुत लोगों के पैसे लगे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं तो उनमें बहुत लोगों के पैसे लगे होते हैं। इसलिए वो बड़े इन्वेस्टर हैं जिसका फायदा कई सारे इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली मिल जाता है, इसलिए उन्हें अलॉटमेंट दिया जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनके केस में एक और चीज है, जो भी अलॉटमेंट एंकर इन्वेस्टर्स को होता है उसे मिनिमम आपको 30 दिन रखना है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा रहे हैं और जिस दिन शेयर लिस्ट हुआ आपको बेचना बेच दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, राइट। लेकिन अगर एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आप लगा रहे हैं तो 30 दिन लिस्टिंग के मिनिमम 30 दिन तक आपको रखना पड़ेगा, कितना ही पैसा बन रहा हो, कितना ही नुकसान हो रहा हो, नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एंकर इन्वेस्टर में एक कोटा भी होता है, कितना आप एंकर इन्वेस्टर को देंगे। सी, आमतौर पर 50% इश्यू प्राइस का जो है ना वो रिजर्व होता है QIB कैटेगरी के लिए। तो QIB कैटेगरी का 50% जो है उसका 60% एंकर इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, यानी कि ओवरऑल इश्यू साइज का 30% मैक्सिमम उतना जा सकता है आप एंकर इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, मैक्सिमम, उससे कम भी दे सकते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एक और बात यह है,
ये कौन डिसाइड करेगा कौन से एंकर इन्वेस्टर्स को किस तरह से कितना शेयर जाना चाहिए? नॉर्मल कोर्स में आईपीओ के बाद अलॉटमेंट जो होता है उसमें प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की जो बुक बनती है वो मर्चेंट बैंकर और कंपनी के ऊपर है कि अच्छा, किसको देना है, वो डिसाइड कर सकते हैं, वही डिसाइड करते हैं। अच्छा, सेबी का रोल नहीं, सेबी का रोल नहीं, वो तो सेबी को लिस्ट भेजेंगे भाई इसको इतना इतना देना है, एक हायर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो पॉइंट सिंपल है कि उन्हें लगता है इस फंड को इतना देना है, इस फंड को इतना देना है, ये उनका राइट है और अकॉर्डिंगली वो देते हैं। लेकिन जाते जाते गुरु ज्ञान तो बनता है अनिल जी, आज का गुरु ज्ञान क्या है? देखिए सिंपल है, अगर आपको लगता है कि आपको शेयर बाजार में कुछ नहीं आता और आप वाकई में किसी कंपनी को समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी है DRHP को घोट के पढ़ लेना, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा है पढ़ो, बड़ा है, बड़े में आपको कुछ काम की चीज निकालनी है, कुछ चीज छोड़ देनी है। लेकिन किसी कंपनी के बारे में अगर आपको लगता है कि कोई नए तरह का बिजनेस है, कोई कंपनी पहली बार बाजार में आ रही है जिसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कोई आईपीओ 50-100 गुना भरने वाला है, तो फिर उस कंपनी को आप देखना सुनना समझना जरूर चाहेंगे। तो जो बिगिनर्स हैं जिन्हें वाकई में फंडामेंटल नॉलेज लेने का इंटरेस्ट है जी, जो वाकई में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है। जो इंटरेस्टिंग बढ़िया कारोबार वाली कंपनियां बाजार में उतर रही है उनके प्रोस्पेक्टस को बिल्कुल अच्छे से पढ़े, ध्यान से, वक्त लगेगा उसको, उसका फॉर्मूला है, उसे ना प्रोस्पेक्टस और अपने कोर्स की किताब की तरह ना पढ़े, काम समझ के नहीं, नॉवेल की तरह पढ़े, तब फिर इंटरेस्टिंगली हो जाएगा। ऐसा नॉवेल जैसा है नहीं, लेकिन नॉवेल की तरह पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा और वाकई में ज्ञान का ज्ञान और फन का फन। चलिए तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की क्लासेस ढेर सारी हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारा ज्ञान भी है, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।